दिल्ली 6 हरियाणा 4। अरे सब खड़ा हुई है मुझे बड़ा रोचक मुकाबला चलते हुए इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले फाइनल स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा मंडल और नगर परिषद शामगढ़ द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का यह देखना है हरियाणा ले जाती है 51,000 रुपए का पुरस्कार या दिल्ली की टीम, क्योंकि क्योंकि बड़ा रोचक मुकाबला चलते हुए हरियाणा और दिल्ली के मध्य 9 नंबर जर्सी में रेड करते हुए हमारी अंतु 8 नंबर जर्सी की रेडर कृति दिल्ली टीम के लिए अपने देखना है क्या करती है तगड़ी खिलाड़ी दिल्ली की। बड़ी चतुराई से कॉर्नर टू कॉर्नर रेड करते हुए अंतु देखना है रेड 4 लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर 4 हरियाणा 6 दिल्ली के बीच चलता हुआ शानदार मुकाबला। नौ नंबर जर्सी पे अनु हरियाणा टीम के रेड करती हुई। भैया ये नीचे बैठ जाओ यार, आपसे निवेदन है सभी से हमारे टू एंड डाई थर्ड रेट करो या मरो इस मैच के निर्णायक के रूप में एलआईजी नर्मदापुर से बाहर जाना होगा पवन जी जाट जी जो कि हरदा से आए हुआ गणेश जी भदौरिया जी जो कि हमारे सरदार जी के नाम से प्रसिद्ध खाचरोद से आए हुए गणेश जी भदौरिया जी तीनों ही निर्णायक उसी असिस्टेंट स्कोर ममता थर्ड रेट। भैया ये मंच खाली कर दे बिल्कुल, आपसे निवेदन है मंच खाली कर दे क्योंकि पहले ही एक मंच गिर चुका है। हमारे पुलिस प्रशासन से निवेदन है मंच खाली करवा दे क्योंकि पहले ही एक मंच गिर चुका है। नहीं मुकेश जी इसकी क्षमता है, इससे ज्यादा मत भरना, ये झेल ले गया वजन तो। अरे उसकी भी क्षमता थी। अरे नहीं ये हाथी मंच है शर्मा जी, आपके स्टेडियम की भी क्षमता थी, आपके हाथ जोड़ ले वो उंदा कर दे मैं क्या मारू। बड़ा रोचक मुकाबला चलते हुए पुनीता देखना समय व्यतीत करती हुई बोनस टाइम आउट दिल्ली स्कोर 13-4, 12-13 अंक दिल्ली 4 अंक हरियाणा। रोचक मुकाबला इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले फाइनल जो खेला जा रहा है हरियाणा वर्सेस दिल्ली, दोनों ही नॉर्थ जोन की टीमें हैं और अन्नू ने अपनी चतुराई से कटिंग कर पाले पर हाथ मारा शर्मा जी और 2 अंक अर्जित किया। आपके आंखों के सामने है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं क्या बोले यार, मैं फंस गया ना, तो मैं बोलना तो पड़ेगा। बढ़िया चल रहा है 6-13 से मुकाबला, 6 हरियाणा 13 दिल्ली के बीच में शानदार मुकाबला चलता हुआ। आप अभी से बिल्कुल अभी से वो मत हो, इधर 5 रीडर है, बोनस का कोई बोनस है नहीं, आपको अंदर फिर करना है। तन्नो 11 नंबर के प्लेयर एमपी रेड डाल करके अपने पाले में जाती हुई हरियाणा तन्नो में बोनस का बोनस ले सकते हैं क्योंकि 7 प्लेयर है इसलिए खिलाड़ी बोनस ला सकता है। तन्नो बड़ा अनुभवी खिलाड़ी है जिंदगी की। पुनीता कब कहां किस तरीके से बहुत चतुर खिलाड़ी है, ये बड़ी अनुभवी खिलाड़ी है क्योंकि इसने मेरे हिसाब से तो अभी तक
30 से 40 अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के में खेल चुकी है और कई राज्य स्तरीय जिनकी गिनती नहीं है ऐसी खिलाड़ी है पुनीता जुनीता जूनियर की नेशनल के खिलाड़ी है जूनियर इसने मेडल मारा है वो बड़ी शांत खिलाड़ी है क्योंकि ना विवाद करती है ना कुछ बोलती है बिल्कुल ऑलराउंडर खिलाड़ी है वैसे सही कहा आपने सभी की निगाह में ऑलराउंडर खिलाड़ी है या अगर प्रो कबड्डी हुई तो सबसे पहले इसी का चयन होगा ये 1 करोड़ में बिकेगी अगर महिला कबड्डी होती है 1 करोड़ में बिकेगी वैसे शर्मा जी तैयारी हो रही है बिल्कुल आप 4 टीमें 6 टीमें उतर रही है अभी क्योंकि चतुराई से दिल्ली की टीम ने जीत किया अच्छा दोनों की टीमें शायद फाइनल तक एक भी मैच नहीं आ रही है अब एक तो हारना पड़ेगा ना अभी तक दोनों ही टीमें किसी से नहीं हारी है पर अब तो हारना पड़ेगा किसी एक को ये बात भी सही है हारे नहीं तो फिर फाइनल कैसे देंगे 51 और 31 में अंतर भी नहीं कर पाएंगे अपन नंबर जर्सी में कीर्ति लगातार अपनी टीम के लिए वैसे शर्मा जी देखा जाए तो दिल्ली की टीम में सभी नेशनल खिलाड़ी अधिक खेल रही है क्योंकि काफी अनुभव है उनको और दूसरी तरफ हरियाणा की युवा टीम सुबह 4 बजे से उठ के मेहनत करती है तो 8 बजे तक वह खेलती है उसके बाद शाम को 5 बजे से दोनों 8 बजे तक मेहनत करती है अपन दोनों टीमों का सम्मान करें कौन जीते कौन हारे हमारे तो दोनों अनु बड़ी टेक्निकल रेट डालते हुए राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक पूरी टीम को खिला दिया दिल्ली की टीम को इस छोटी सी खिलाड़ी द्वारा फिर से पुनीता ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये क्या कुल खिलाड़ी किस तरीके से खेलती है ये शेर कहाँ से शिकार करता है ये देखती है पहले उसी तरह उस शिकार को दबोचते हैं वैसे टाइम व्यतीत करते हुए पुनीता हाफ टाइम बलूबिया अतिथि का भैयो जनता और क्या कार्यक्रम को देखने पधारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे बीच उपस्थित नहीं है उनके पूज्य पिताजी का निधन होने के कारण वो अजमेर में उन्होंने वहां से सीधे लाइव वीडियो बनाकर एक शुभकामना संदेश यहाँ की विजेता उपविजेता टीम के लिए भेजा है पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वदेशी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म है कि आज देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वदेशी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती एवं करोड़ों कार्यकर्ताओं के इन बच्चियों से संपर्क करा टीम से संपर्क करा और इसके रुपए खर्च होने वाले थे कितने 25 से 30 लाख रुपए बोलो भारत माता की ये कैमरा ले लिया सब ये कौन घूम रहा है बोलो भारत माता की वंदे 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 आप जोरदार ताली बजा के इन बच्चों का स्वागत एक बार कर दो और ये अपने माता पिता के विश्वास पर यहाँ पर आई है हम बधाई देते हैं शुभकामना देते हैं जनता से निवेदन है 15 मिनट का वो समय है शांति बना रखे भाई साहब वो कार्डलेस दे दीजिए हेलो शर्मा जी वो कार्डलेस लो ना हेलो बलवीर सिंह जी माइक दे देना उधर से मंच का माइक दे देना
वैसे बहुत शानदार शानदार वैसे अभी इस ग्राउंड पर कबड्डी सिखाई जाएगी दियो यंग स्पोर्ट्स क्लब एवं शौर्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा निःशुल्क कबड्डी कोचिंग इसी ग्राउंड पर दी जाएगी जिसके महेश जी मालवी कुलदीप जी राठौर स्थानीय बेड़ीका मिडिल स्कूल ग्राउंड पर सभी छात्र छात्राओं को कोचिंग दी जाएगी यंग न्यू यंग स्पोर्ट्स द्वारा और शौर्य फिजिकल फिटनेस द्वारा चलता हुआ दस सोलह जी कालू काशी जी जगदीश जी पाटीदार जी अंबिका लाज विजय ट्रेडर्स नवीन पिता हरिलाल मोजाउदिया जी सोनीलिका ट्रेक्टर्स सत्यनारायण जी धनोतिया जी सत्यनारायण जी फरकिया जी देव नारायण जी राम स्वरूप जी संतोष जी शंकर लाल जी पाल जी गंगा जल्लर शामगढ़ पटवारी संघ पुलिस विभाग किशोर जी खुराना जी खुराना इलेक्ट्रिक अनाज व्यापारी वर्ग तिलन संघ द्वारा भी सहयोग दिया गया ईश्वर सिंह जी तंवर जी ज्योति जी ऑप्टिकल जी शामगढ़ आर आर ज्वेलर शामगढ़ गोपाल जी ऑटो पार्ट्स अल्फा सेंस कॉन्वेंट स्कूल और उसी तरह हमारे अंकित भाई वह बल्लू भाई मित्र अंकित जी यादव जी और बल्लू भाई मित्र मंडल द्वारा सजल जी यादव जी दीपक जी पाटीदार जी श्याम जी वेद जी दीपक जी गुप्ता जी गौरव जी इन सभी सोनू जी भावसा उन्होंने सभी ने भरपूर सहयोग प्रदान किया उनका इस खेल जगत व पूरी शामगढ़ के साथ पूरी भारत आई सभी टीम आभार व्यक्त करती है और भी जिनके चलता मुकाबला वे जो हमारे मंत्री महोदय ने किया दिल्ली 20 11 हरियाणा के बीच चलता मुकाबला बड़ा रोचक मुकाबला चलते हुए दिल्ली और हरियाणा के मध्य ग्यारह हरियाणा 20 दिल्ली दिल्ली 20 11 अंक हरियाणा उसके चक्कर में इसका चक्कर में नहीं निकल पा ये लाया तो यही घर से बड़ा रोचक मुकाबला चलते हुए बड़ी जानदार पकड़ की गई पंद्रह मिनट के दो हाफ खेले जाते हैं हाफ टाइम के बाद का स्कोर 21 दिल्ली
11 हरियाणा, 10 अंकों की लीड बनाए हुए दिल्ली की टीम समय व्यतीत करती हुई दिल्ली की टीम के खिलाड़ी 30 सेकंड की पूरी रेड ले रही है। फिर से हरियाणा टीम की खिलाड़ी रेड करते हुए इस आयोजन को बड़ी रूपरेखा देने में हमारे शर्मा जी के साथ हमारे हरदीप सिंह जी डंग साहब, हमारे नगर परिषद अध्यक्ष कविता जी यादव जी, संजय जी, हमारे सीएमओ साहब संजय जी श्रीवास्तव जी और इस हमारे प्रेरणा स्रोत राकेश जी डागोर जी, उनकी भी बड़ी रूपरेखा तैयार बिल्कुल शर्मा जी को और पूरी इस शामगढ़ जो आयोजन हो रहा है इसमें पूरी रूपरेखा तैयार उन लोगों ने की है। बड़ी ही जानदार तरीके से इस आयोजन को किया जा रहा है। शामगढ़ किए सभी यादव परिवार व सभी जो हमारे बल्लू भैया और सभी 13-21 से जनता साथियों द्वारा जो किया जा रहा है। शर्मा जी 13-21 से जनता मुकाबला दिल्ली 21 हरियाणा 13। कुछ तो कबड्डी के बारे में विवरण दो, आप में 3 महीनों का अथक अनुभव है इस जगह का आपको। बड़ा रोचक मुकाबला, बड़ी जानदार पकड़ की गई हमारी दिल्ली की खिलाड़ी द्वारा। कीर्ति ने बड़ी जानदार सेंटर से ग्रीप खींचकर उसे टाई लगाकर आउट किया। पुनीता 9 नंबर जर्सी में समय व्यतीत करती हुई क्योंकि उनकी टीम लीड बनाए हुए 22-13 हरियाणा 13 दिल्ली 22। अपार जनसमूह हमारी माँ एक तरफ दो तरफ मात्र शक्ति और बीच में हमारे कबड्डी प्रेमी दर्शक की अथाह भीड़। शर्मा जी अनुमानित कितने जनसंख्या होगी आज? करीब 15,000 से 20,000, ज्यादा भी हो सकती है। बाहर भी है एलईडी के? हाँ वो यहाँ अंदर दिख रही इतनी है। ओ! बहुत शानदार 9 नंबर जर्सी में पुनीता रेड करते हुए। वैसे यह आयोजन सार्थक चैनल द्वारा लाइव दिया जा रहा है यूट्यूब पर। 9 नंबर जर्सी में पुनीता रेड करते हुए हरियाणा के कोर्ट पर राइट कॉर्नर पर जो टीम लीड बना लेती है वह थर्ड रेट पर खेलने लग जाती है क्योंकि शर्मा जी चलते रहे और कुछ कहते रहे थोड़ा ही देर और है अब तो मत थको, ना रुकेंगे ना थकेंगे, और रुकना भी नहीं और थकना भी नहीं। बड़ी जानदार पकड़ कीर्ति द्वारा कारवा चलता रहेगा। बड़ी दोनों थाई होल्ड की उनमें कवर से बड़ी जानदार पकड़ मुकेश जी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीजे सो गड़ा ऋतु आए तब पल होए। आदिल भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो इसकी। आबिद भाई ग्यारह नंबर जर्सी में तन्नु रेड करते हुए। बड़ी चपल खिलाड़ी है शर्मा जी है। क्योंकि जितनी दुबली पतली है इतनी फुर्ती है इसमें। बोलो शंकर जीत किया एक मजबूत सशक्त टीम दिल्ली की। कृति रेड करते हुए स्कोर 24-15 24 दिल्ली 15 हरियाणा। वैसे शर्मा जी क्वार्टर व लीग के मुकाबले बड़े रोचक मुकाबले हुए हैं क्योंकि दर्शकों को आनंद आ गया इस प्रतियोगिता के मैच देखने में क्योंकि बड़ी इस मैच में सिर्फ 4 मिनट बचे हैं 4 मिनट बचे हैं 24-15 11 नंबर जर्सी में
तन्नू हरियाणा के दिल्ली कोर्ट पर रेड करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर रेड करती हुई बहुत शानदार बोनस बड़ी शानदार तरीके से बोनस हरजीत की राइट कॉर्नर के सेकंड के जो खिलाड़ी होता उसके वहां से उसने बोनस हरजीत की रनिंग करते हुए बड़ी टेक्निकल बोनस कहते हैं इसे हमारे नीलेश जी पवन जी जाट जी और गणेश जी इस मैच के निर्णायक ममता जी और रेखा जी इस फाइनल के निर्णायक वो हमारी लवंसी जी और पूरी ऑफिशियल टीम अठारह हरियाणा 24 दिल्ली अंतिम खेल बचा कुछ भी हो सकता है गेम अब जिन भी खिलाड़ियों को जो हमारे हरदीप सिंह जी जो कि कैमरामैन है हमारे हरेंद्र सिंह जी जो कि हमारे हरेंद्र सिंह जी से वे जो कि कैमरा में रिकॉर्डिंग जिस भी मैच की रिकॉर्डिंग चाहिए जिन भी खिलाड़ियों और टीमों को वे निशुल्क उनसे ले सकते हैं उनके नंबर ले लें और आपके पूरे इस टूर्नामेंट में जितने भी मैच हुए हरेंद्र सिंह जी से ले सकते हैं निशुल्क रूप से देंगे वे आपको ग्यारह नंबर जर्सी में मैच अंतिम क्षणों में चलते हुए और कुछ ही एक मिनट बचा है शर्मा जी इन दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां बजाते एक बार दर्शक उत्साहवर्धन कर दे आखिरी हमारी मात्र शक्ति इन दोनों टीमों का उत्साहवर्धन तो करें थोड़ा आप शांत मुद्रा में देख रहे हैं मैच बड़ी शानदार यह आयोजन सफलतम की ऊंचाइयों पर पहुंचता है शामगढ़ में आयोजित महिला अखिल भारतीय टूर्नामेंट में हुआ यह ग्रैंड फिनाले फाइनल अपनी दिल्ली टीम फाइनल की ओर अग्रसित 51,000 रुपए की प्रबल दावेदार थर्ड रेड डूडाई की प्रबल दावेदार टीमों में गिनी जाने वाली दिल्ली की टीम जो कि मजबूत स्थिति में है और 51,000 रुपए पर अपना दावा मैच समाप्त ये विजेता टीम को बधाई आगे का हेलो सभी मैं थैंक